हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। आज भी लोग बनाने लगा हूँ अपनी बेबी को उठा के। उसका रीज़न ये है कि रो रही है, चुप कराने के लिए बाहर लेकर आया हूँ। और वीडियो बनाने का मकसद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर के ऊपर जितने यूट्यूबर्स हैं ना उनके लिए है। मेरे को एक मैसेज आया, मैसेज आपकी आंखों के सामने है। तो लिटरली मेरे को मैसेज आता है तो मैं हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं यूट्यूब चेक कर पाऊँ, किसी के चैनल चेक कर पाऊँ। और क्योंकि मेरे पास एक और चैनल है पीटी का, पीटी टिप्स एंड ट्रिक्स बाय निखिल, वो भी चलाना होता है और ये वाला चैनल भी चलाना होता है, ठीक है। और क्लासेस भी लगानी होती हैं, मतलब थोड़ा सा बिजी है शेड्यूल, सभी का होता है नॉर्मली, राइट। तो मैसेज जब आया तो मैंने ना चैनल चेक किया, ये वाला NSJ Vlogs। तो उसकी फर्स्ट वीडियो थी, लेटेस्ट वीडियो, अनसब्सक्राइब मी। मैंने कहा कि पता नहीं क्या बात हो गई। तो इस वीडियो से पहले मेरे को किसी ने कहा कि NSJ Vlogs ने ना आपकी बहुत तारीफ़ की है। तो मैंने सोचा यार ये बंदा तो मेरे को जानता नहीं है, तो कौन हो सकता है। मैंने कहा शायद मे भी मेरा स्टूडेंट हो सकता है या मेरे जानने पहचानने वाला हो सकता है, लेकिन जब मैंने चेक किया तो वो मेरा जानने पहचानने वाला नहीं था। तो मैंने उसकी जो बाकी वीडियोस थी वो भी चेक की, मतलब फटाफट कर ली 15-20 मिनट में। सिर्फ एक वीडियो मैंने पूरी सुनी जो उसने लास्ट वाली डाली थी, NSJ Vlogs ने और लास्ट वीडियो डाली थी अनसब्सक्राइब मी। उसके अंदर बताया गया था कि जो लोग मेरे को गंदे कमेंट करते हैं अब उनका आंसर नहीं दिया जाएगा। मेरे पास इंफॉर्मेशन के रिलेटेड कोई वीडियो नहीं है, आपको मेरी पर्सनल लाइफ का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। तो ये भी कहा गया था कि आप रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल की वीडियो देखो, कि जब मैं आया था आने से पहले मैंने रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल की वीडियो देखी थी, तो मेरे को कुछ चीज़ें पता लगी, कुछ चीज़ें नहीं पता लगी। क्योंकि जो मेरी मोस्टली वीडियोस होती हैं ना वो PR के रिलेटेड होती थी पहले, अब मैंने शुरू किया काफ़ी टाइम से स्टूडेंट के रिलेटेड वीडियो डालनी, उनके लाइफ स्ट्रक्चर के बारे में, कितनी फ़ीस है, मतलब A to Z आपको यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर इंफॉर्मेशन मिलती है। तो मैंने उसके NSJ Vlogs के कुछ Vlogs देखे जो मोस्टली क्या थे, वो थे लाइक घूमने फिरने के, मतलब अनबॉक्सिंग की है आईफोन का देखा मैंने, ठीक है, मतलब वैसे ही देख लिया, सिर्फ हेडिंग लाइन पढ़ ली। तो मेन मुद्दा ये है कि वीडियो बनाने का, सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और NSJ Vlogs ने रिकमेंड किया मेरे चैनल को, हालांकि मेरा चैनल पुराना था उससे काफ़ी। तो मैं NSJ को ये कहना चाहता हूँ, डीमोटिवेट नहीं होना, यू आर लाइक माई यंगर ब्रदर। तो मेरे को भी कई बार ऐसे कमेंट आ सकते हैं और आ भी रहे थे पहले, ठीक है। बंदे का मन दुखी हो जाता है कि लाइक यार मैं इतना कर रहा हूँ लोगों के लिए और लोग मेरे लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपने इसको, ये सिर्फ NSJ को नहीं है, सारे यूट्यूबर्स को है, जो यूट्यूबर देख रहे हैं मेरी वीडियोस, ठीक है ना। सो उनके लिए है, आ जाओ। जो जितने भी यूट्यूबर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं या मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लिए अपने लाइफ में एक सोच लो। आप जब कोई काम करते हो ना उसके अंदर आपके पॉजिटिव भी बहुत होते हैं बंदे, नेगेटिव भी बहुत होते हैं। आपने पॉजिटिव को देखना है और नेगेटिव से सीखना है। नेगेटिव को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, वो नेगेटिविटी अगर नहीं होगी ना आप आगे नहीं बढ़ोगे। मेरा तो ये मानना है कि जितनी देर तक आपके अंदर कोई कमियां निकालने वाला नहीं है ना, आप अपने आप को ग्रो नहीं कर पाओगे। तो मैंने काफ़ी सुना NSJ Vlog का जो लास्ट वीडियो था अनसब्सक्राइब मी वाला, तो मुझे इन शॉर्ट ये लगा कि यार ये बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हुआ है,
बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कई बार नहीं आंसर मिलता, ठीक है, मैं भी होता हूँ, लेकिन यही तो यूट्यूब का मेन मोटिव है। यहाँ पर अगर पब्लिकली कोई वीडियो डाल दोगे ना आप, तो आपको लोग गालियाँ भी देंगे और प्यार करने वाले भी बहुत हैं, और जो गालियाँ देते हैं उनको छोड़ दो, उनको लाइव से निकाल दो, उनका देखो ही ना, पढ़ो ही ना, कुछ भी ना करो, ठीक है, उनको उनसे सीखो। मैं तो ये कहता हूँ, जितने मैंने इस चैनल तक पहुँचा हूँ ना, जो मैं अपने हेटर्स के लिए पहुँचा हूँ, वो मेरे में कमियाँ निकालते हैं, हम उसको सुधार लेते हैं। इतना दिमाग किसी के पास नहीं होता, ना ही इसका इतना टाइम होता कि हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। मैं अपने हर एक वीडियो में लोगों को यही कहता हूँ कि मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता हूँ, जो कॉमन क्वेश्चन है उसको हम पकड़ के एक वीडियो बना देंगे, उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों के जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएंगी, ठीक होगी ना बात। तो मेरा उससे NSJ व्लॉग से यही है कि पॉजिटिव माइंड रखो, और जैसा आपका चैनल है ग्रो करते जाओ, वीडियोस डालते जाओ। बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कई बार, कोई चक्कर नहीं है, टेंशन ही लेनी है, हर एक काम टाइम के साथ होता है। अगर आपके हेटर्स हैं तो क्या आपने ये सोचा कि आपके चाहने वाले कितने हैं? हर एक चीज़ को आपने पॉजिटिव लेना है। सिर्फ मैं NSJ को नहीं कह रहा हूँ बार बार, मैं सभी को कह रहा हूँ, ये टोटल नसीहत है सभी के लिए। अगर आपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो ये नहीं देखना कि कितने लोग आपको हेट कर रहे हैं, ये देखना आपको कितने लोग प्यार कर रहे हैं। नज़रिया है, एक मैं चीज़ कहूँगा, नज़र बदलोगे नज़ारे बदल जाएंगे, किश्ती बदलोगे किनारे बदल जाएंगे। जो बंदा सही है उसने वेस्टेज में से भी एक ऐसी चीज़ निकाल लेनी है जो उसके काम की होगी। जो बंदा गलत है उसके आगे सारी चीज़ें सही निकाल दो ना, उसमें से भी कमी पेशी निकाल लेनी है। तो मेरा ये कहना है कि ज़्यादा वो नहीं होना, डीमोटिवेट नहीं होना, अपनी वीडियोस रेगुलर बेसिस के ऊपर बनाओ ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन दो। हमारा यूट्यूबर्स का काम है लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। जो लोग ऑस्ट्रेलिया में नहीं हैं या जिन लोगों को परेशानी आ रही है, हमने सभी ने मिलकर सभी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर ऐसा सोचने लग गया तो बंदा भाई कोई भी ना काम करे, कुछ भी ना कर पाए, फिर लाइफ में कुछ भी ना कर पाए। हमारे को यहाँ पर अपनी खुद की भी टेंशन्स हैं। जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना वो फ्री नहीं हैं, सारे के सारे फ्री नहीं हैं, सारे के सारे बिजी हैं। तो मेरा ये सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि आप सभी यूट्यूबर्स को रिस्पेक्ट करो, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप हमारी रिस्पेक्ट करो ताकि हम आपके लिए अच्छा कंटेंट बना सकें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें। अगर हमारे मन के ऊपर टेंशन होगी, यूट्यूबर्स के ऊपर टेंशन होगी, तो आप खुद हिसाब लगाओ वीडियो कैसे आएगी। तो फ़ायदा किसको हो रहा है? आपको हो रहा है, हमारे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। कुछ लोग तो ये सोचने लग जाते हैं कि यार यूट्यूब से पैसे आते हैं। कितने पैसे आ जाते हैं यार? 5,000, 6,000, 10,000, 15,000, कितना लगा लोगे? 50,000 लगा लो। यहाँ पर 50,000 की वैल्यू पता कितनी है? $1,000, और उसमें एक महीने का किराया भी नहीं निकलता। जो यूट्यूबर्स हैं ना, सिर्फ पैसे के लिए नहीं बनाते हैं वीडियोस, ये बात ध्यान में रखना आप। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि यार सभी के मेरे चैनल के ऊपर जो जितने भी वीडियोस बना रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में कहीं पर भी, तो आप उनको साथ दो। ये ना हो कि आप देखो, हम आपके लिए हैं, आप हमारे लिए हैं। हम वीडियोस किसके बना रहे हैं? आपके लिए। हमारे खुद के लिए नहीं बना रहे हम वीडियोस, हम लोगों के लिए बना रहे हैं, पब्लिक के लिए बना रहे हैं, ताकि लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इन शॉर्ट, अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, जैसा कि NSJ ने बताया कि मैं तो जो वीडियोस बनाऊंगा सारी वो अपने लाइफस्टाइल के ऊपर बनाने वाला हूं, डोंट वरी, जिन्होंने लाइफस्टाइल देखना है वो NSJ व्लॉग को देखो, उसको फॉलो करो, ठीक है। जिन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, स्टडी के रिलेटेड हो गया, मैं रेगुलर बेसिस के ऊपर वीडियोस तो डाल ही रहा हूँ, तो आप मेरी वीडियोस को चेक कर सकते हो। देखो, एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता है, एक बार याद रखना। मैं अब लाइफस्टाइल के ऊपर वीडियोस कम डालता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता है, मेरी अपनी लाइफ है। क्या चलो चलिए घर हूँ। अब देखो, अब मैं उसके जैसे वीडियोस नहीं बना सकता हूँ, वो मेरे जैसा वीडियोस नहीं बना सकता है। हर एक चीज़ का अपना अपना लाइन है, ठीक है, अपना अपना इंटरेस्ट है। तो कोशिश ये होती है कि मेरे इस चैनल के ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में क्या चीज़ें हो रही हैं, कोर्सेज के बारे में, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, कितना खर्चा हो रहा है, PR के बारे में खास तौर के ऊपर, और PR के बारे में एंड
और किसके बारे में यार पता नहीं, जितनी जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलती है ना, अकेली अकेली चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ओपन करना है बैंक अकाउंट, ऐसे आप ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हो, अकेली अकेली चीज़ आपको घर बैठे यहाँ पर मिल रही है नॉलेज। मेरे टाइम के ऊपर ना ये चीज़ें नहीं मिलती थी, तभी मैंने ये सोचा रियल एक्सपीरियंस कि मैं वहाँ पर जाऊँगा और उस जगह के ऊपर लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो गाइस रिस्पेक्ट ऑल, तो ये छोटा सा मैसेज था, अगर NSJ व्लॉग्स देखता हो तो थैंक यू सो मच अगेन। हम लोग, मैं भी आप आगे से अब NSJ की वीडियोस देखा करूँगा, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है पूछ लेना। आज वीडियो आ रही है कॉमर्स वाले स्टूडेंट, ख़ास तौर के ऊपर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे अपनी जॉब यहाँ पर ईज़िली ले सकते हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं या जो लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं। ध्यान से वीडियो को देखना, ये वीडियो मैं डालूँगा आज ही के दिन, ठीक है, आपके लिए होगी कि कॉमर्स वाले को कौन कौन से सॉफ्टवेयर मतलब चाहिए यहाँ पर जॉब करने के लिए, ताकि आपकी नौकरी पक्की हो जाए। ये सारी वीडियो डालूँगा, बेस्ट ऑफ लक। कोई क्वेश्चन है कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ऐसे रेगुलर बेसिस के ऊपर वीडियोज़ डालते रहेंगे, और इन शॉर्ट सभी की रिस्पेक्ट करो, हम आपकी करते हैं, आप हमारी करो। कई बार क्वेश्चन के आंसर नहीं दे होते, समझा करो बात को, क्योंकि सभी की लाइफ बिजी है, यू आर ऑल्सो बिजी। एंड थैंक यू सो मच, मौसम का इंजॉय करो। आज एडिलेड में बारिश पड़ गई है, ये देख लो, और ये इनायत, बाय बाय बाय। I'm not the one who's always right.